2030 में ये तय होगा कि देश के अंदर कारपोरेट वर्ल्ड पूंजीपति लोग हुकूमत करेंगे या हमारा किसान मजदूर और मेहनत कश करेगा। इसलिए पेट्रोल का कलेक्शन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये कहूंगा गठबंधन तो मजबूरी है, स्वामी प्रसाद को वोट जरूरी है। स्वामी प्रसाद जी वो इंसान है, वो शख्सियत है जिसने हमेशा दलित पिछड़े और हमारे मुस्लिम अल्पसंख्यकों की आवाज उठाई। मुझे यहाँ के मालूम हुआ कि यहाँ के मदरसों के लिए, यहाँ के कमजोर वर्ग के लिए जो स्वामी प्रसाद जी ने किया है, इसलिए यहाँ के लोगों का ही फर्ज बनता है कि उस वो इस इलेक्शन में उन्हें जिताए। हम कैसा भारत देखना चाहते हैं, हम क्या ख्वाब देखना चाहते हैं? हमें ख्वाब देखना है ऐसे जिनकी पूर्ति हो। हमें ऐसा भारत नहीं चाहिए जो चंद पूंजीपति के हाथ में पावर पहुंच जाए। नया हौसला नहीं उड़ान भरनी है, नया हौसला नहीं उड़ान भरनी है, मेहनत अब हमें सुबह शाम करनी है, नए खतरों तक खेलना है हमें, फलसफे की एक नई किताब लिखनी है। हमें एक ऐसा फलसफा चाहिए, एक ऐसा अध्यात्म चाहिए जिससे हमारा धर्म और साइंस और विज्ञान सब मिलकर हम आगे बढ़े। नौजवान यहाँ बहुत हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि पढ़िए, लड़िए और बढ़िए। हमें बढ़ना होगा आगे। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ मेहनत का की कोई इज्जत नहीं। मैं अमेरिका गया और दो चार मुल्क देखे, क्या आपको मालूम होगा, मैं बताना चाहूंगा, अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर उतने ही पैसे कमाता है जितना एक इंजीनियर। हमारे देश के ट्रक ड्राइवर कश्मीर से कन्याकुमारी तक पसीने में गाड़ी चलाता है, मुसीबत उठाता है, पुलिस वाले की गाली खाता है, कार वाले की गाली खाता है, उसके बाद चंद सिक्के वो पैदा करता है। हमें ऐसा देश नहीं चाहिए, हमें भारत को बदलना होगा, हमें समाज को बदलना होगा। और ये तब्दीली तब आएगी जब आप सब लोग धर्म की दीवार गिरा देंगे, जब आप सब लोग जात की दीवार गिराकर ऐसे आदमी को चुनाव लड़ाएंगे जो वाकई मसीहा है गरीबों का। मुझे बहुत उम्मीद है कि यहाँ के दलित पिछड़े सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। दलित पिछड़े कमजोर चले सत्ता की ओर। आप सब लोगों के अंदर सत्ता पाने की भूख होनी चाहिए। इसलिए 80 सीटों में से एक सीट ऐसी है जहां पर दलित पिछड़ों और कमजोरों की आवाज एक साथ है। मुझे साहब का वादा करें कि आप स्वामी प्रसाद जी को वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे, तन मन धन करेंगे। मैं बदायूं से चलकर 500-700 किलोमीटर से चलकर यहाँ आया हूँ और इसीलिए आया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि स्वामी प्रसाद जैसे लोग की आवाज संसद में रहे। हमें सांसद में गूंगा सांसद नहीं चाहिए, हमें आवाज चाहिए, हमें ऐसी आवाज चाहिए जो दलित और पिछड़ों की आवाज बने। बात को बहुत लंबा न करते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ दलित पिछड़े और मजदूर लोग कमजोर लोग सब साथ हैं। ये ताकत हिंदुस्तान को बदलेगी, बदलेगी और सिर्फ एक यहाँ के वोट से बदलेगी। आपकी ताकत वोट है जिसको लोग छीनना चाहते हैं, जो आपसे अगर छिन गया तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। आगे बढ़िए और इस इलेक्शन के अंदर स्वामी प्रसाद जी को गन्ना किसान पे अपना बटन दबाकर आप इसको जीत में तब्दील कर दीजिए और सारी दीवारों गिरा दीजिए। इसी अल्फाज के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। मैं माननीय बीडी नकवी साहब रिटायर्ड जज, आपको मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और मरोजा जी के इस चुनावी जनसभा को संबोधित कर यह विश्वास दिलाएं कि कुशीनगर 65 की जनता आपके साथ है और गन्ना चुनाव चिन्ह हर किसान, हर मजदूर, हर नौजवान के हाथ है। जनाब बीडी नकवी साहब रिटायर्ड जज, जितना कम सामान होगा सफर उतना आसान होगा, जितनी गठरी भारी होगी उतनी ही दुश्वारी होगी। इस सभा के हमारे दोस्त, हमारे साथी, इस सांसद के उम्मीदवार स्वयं मौर्यपाली पटेल, स्वयं मौर्यपाली पटेल, स्वयं मौर्यपाली पटेल, पली पटेल जिंदाबाद, पली पटेल जिंदाबाद, पली पटेल जिंदाबाद, स्वयं मौर्य पली पटेल, स्वयं मौर्य पली पटेल, पली पटेल जिंदाबाद, पली पटेल जिंदाबाद, पली पटेल जिंदाबाद,
पली पटेल, पली पटेल जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय 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 भीम। इस सभा में मौजूद यहाँ के पडरौना सांसद के उम्मीदवार स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अभी अभी आई हमारी छोटी बहन पल्लवी पटेल जी और यहाँ के सारे नेतागण, दोस्तों, भाइयों, आज इस देश के अंदर एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है, एक ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी राष्ट्रीय गो लोक गायक को सुना। इसी क्रम में सीधे मैं अपने कुछ नौजवान साथियों से रूबरू होना चाह रहा हूं कि मित्रों, क्रिकेट तो सभी खेलते हैं, इसमें क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? हाथ बढ़ा दे सारे क्रिकेट खेलने वाले। मित्रों, क्रिकेट खेलने में सबसे अहम भूमिका कब होती है? जब वो व्यक्ति छक्का मारता है। जब छक्का मारता है तो अंपायर कैसे उठाता है उंगली? जरा उठा के दिखाइए। ऐसे उंगली उठाता है। निश्चित तौर पे मैं दावे के साथ कहता हूं कि एबी मशीन में 6 नंबर पे गन्ना किसान है। मित्रों, 6 नंबर पे है। सभी नौजवान साथी आने वाली 1 तारीख को अपने उंगली से छक्का मारने का काम करेंगे और 6 नंबर वाले को जिता करके आप सीधे लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आइए हम सीधे लेके चलते हैं। पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय श्री भगवत प्रसाद सागर जी को मैं आमंत्रित करता हूं मंचपरा में और इस चुनावी जनसभा को 2 शब्दों में संबोधित कर यह जनता को विश्वास दिलाएं कि आने वाली 1 तारीख को आदरणीय मौर्य जी को विजयश्री का माला पहनाकर सदन में भेजने का काम करेंगे। पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय भगवत प्रसाद जी। आ रहे हैं, अभी आने वाले हैं। सामाजिक क्रांति के